प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आइए चलते हैं फिजिक्स के जो चैप्टर चल रहा, हमारा प्रथम चैप्टर, जिसमें हमने टॉपिक कराया था बलाघूर्ण। तो उसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बलाघूर्ण का न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 4×10⁻¹⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन बटे कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30° पर संरेखित है। यानी थीटा कितना दिया हुआ है, 30°। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। अब देखिए, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिया है कूलाम इंटू मीटर, यानी हमको क्या दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ हम लिखेंगे कि दिया है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P=, कितना दिया हुआ है, P=, दिया है 4×10⁻¹⁹, 4×10⁻¹⁹ कूलाम इंटू मीटर। और हमको क्या दिया, कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का, यानी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र E=, कितना दिया, 5×10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। से थीटा कितना दिया है, 30° पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का फार्मूला τ=, होता है PE sin θ। अब देखिए, P का मान कितना है, P का मान है 4×10⁻¹⁹, E का मान है 5×10⁴ साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 30°। देखो, 4×5=20, 10⁻¹⁹+4 साइन 30 का मान 1/2, 2×2=20। अब साइन 30 का मान तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1/2 होता, तो 10×10⁹ में से 4 गया -5, और यहाँ भी घात 1 होगी तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो 1×10⁻¹ बचेगा, 5 में से 1 गया -4। टाउ का मात्रक क्या होता था, न्यूटन मीटर। कितना आया, न्यूटन मीटर अथवा जूल, न्यूटन मीटर अथवा जूल। तो ये जो है, कैसा लगा वीडियो आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा, न्यूमेरिकल समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।